नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। सारे लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे, प्रॉपरली हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं सभी लोग एक बार जुड़ जाओ, उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे और एप्लीकेशन में भी बहुत सारे बच्चे एनरोल्ड हो चुके हैं, ये प्रॉपरली तैयारी चल रहा है। अब है ट्रेड की क्लास के बारे में, तो ये जो ट्रेड की क्लास है रात में 10 बजे में लेकर आता था, तो बहुत सारे बच्चों का था कि सर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो हमने ये क्लास को आपका 6 बजे शाम को शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार जितने भी मेरे प्यारे मित्र हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। आज मैं बहुत बेसिक से जितने भी साथी हैं जिनका सपना है लोको पायलट बनने का, जिनका सपना है रेलवे में टेक्नीशियन बनने का, उन सब के लिए मैं ट्रेड की क्लास स्टार्ट किया हूँ फिटर का। और पूरे बेसिक से सबसे पहले आपको सिलेबस जो है ये बिल्कुल पता होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 2018 में मुझे लगता है आपने जो गलती किया है अब वो गलती आपको दोहराना नहीं चाहिए। 2018 में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिस समय की एलपी की क्लास चलती थी, उस समय भी हम लोगों ने ऑफलाइन खूब पढ़ाया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने ऐसा चीजें इररिलेवेंट चीजें जिन चीजों की जरूरत नहीं है ट्रेड में वो भी चीजों को आपने पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं इससे कई समस्याएं भी हुआ था, कई परेशानियां भी उत्पन्न हुई। आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, चीजों को समझेंगे और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, प्रॉपरली हम लोग स्टार्ट करें। सभी लोग तैयार है? तो सबसे पहले जो हम लोग बात किए हैं सर ट्रेड फिटर का, तो फिटर के सिलेबस के बारे में एक बार हमने चर्चा किया था आप लोगों से, फिर अभी जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फिटर ट्रेड का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या हमें ट्रेड में जानने की आवश्यकता है, इन सब चीजों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार सभी लोग थोड़ा सा सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग फिटर ट्रेड के सिलेबस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक दिन हम लोगों ने और भी किया था फिटर ट्रेड के बारे में डिस्कस, ये क्लास बिल्कुल जीरो से लेकर जिसका जितना भी पढ़ा है कोई बात नहीं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अभी जो हम लोग है पूरे बेसिक से, पहला चीज से आपको कुछ भी नहीं आता, बहुत लोगों ने पहले भी स्टार्ट किया था 10 बजे रात को, तो कोई बात नहीं, ये टाइमिंग आपका आपकी ही समस्या का, बहुत सारे बच्चों का ये समस्या था सर हम टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं 10 बजे रात को, हमें बड़ी समस्या हो रही है, तो हम चलिए हमने आपके लिए ये टाइम जो है 6 बजे कर दिया, अब आप आराम से अपनी तैयारी को कर सके, जैसा भी परिस्थिति हो जैसा भी कंडीशन हो आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होनी चाहिए, मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा प्रॉपर वे में। ओके, सभी लोगों को गुड इवनिंग, जितने भी मेरे प्यारे मित्र हैं सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। और चलिए प्रारंभ कहते कहते ना रख हौसला वुमन जी, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर आपको नहीं बैठना है क्योंकि आप मंजिल के मुसाफिर हैं। चलिए आगे बढ़ते, तो हम लोग क्या क्या फिटर में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें जो है हम लोगों को पढ़ना है फिटर ट्रेड, तो फिटर ट्रेड का सिलेबस, ये जो सिलेबस है इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये डेली क्लास 6 बजे टाइम में ही होगी, 6 PM में ही होगी, मैंने सेट कर दिया टाइम में, टाइम को लेकर बहुत प्रॉब्लम था सब में, तो शुरू से सारे बच्चे ने कहा लगभग सर शुरू से फिर से स्टार्ट कर दीजिए। तो परिचय जो है व्यवसाय सुरक्षा साधन इंट्रोडक्शन, और इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे सर ट्रेड सेफ्टी और मींस इसका सुरक्षा और साधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो चैप्टर है माप तौल एवं मात्रकों की पद्धतियां, मतलब बताया कि हमने मेजरमेंट एंड सेफ्टी ऑफ यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माप तौल एवं मात्रकों की पद्धतियों के बारे में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे फिटर में। तीसरा चैप्टर हमने बताया मापक एवं औजार, मापक एवं मापक यंत्र एवं औजार, बहुत सारे मापक यंत्र हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं,
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और औजार, ये तीसरा चैप्टर है आपके। चौथा चैप्टर जो है यहाँ पे सूक्ष्म मापक, माइक्रो मेजरिंग डिवाइस जो है, छोटा छोटा यंत्र जिसे हम मेजर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो मेजरिंग डिवाइस। तो माइक्रो मेजरिंग डिवाइस भी जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको करने की जरूरत है। उसके बाद एक चैप्टर है आपका वेल्डिंग, उसके बाद है धातु विज्ञान, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी एक शाखा भी है, जब आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए होंगे उसमें एक मेटलर्जी ब्रांच भी है, इसको हम लोग कहते हैं धातु विज्ञान। तो धातुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, धातु विज्ञान को हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग धातुओं के एक एक बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे। तो शायद हो सकता है आपको केमिस्ट्री में मेटल नॉन मेटल पढ़ने की जरूरत ना पड़े अगर यहाँ आपने खूब मेटलर्जी को अच्छे से कर लिया, क्योंकि केमिस्ट्री से ज्यादा डिटेल में जो है मेटलर्जी यहाँ समझाया गया। तो नॉर्मली अगर फिटर में हम बात करें चैप्टर के संबंध में, आज खूब अच्छे से हम चैप्टर्स को समझते हैं, तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ये आपका पहला चैप्टर होगा, ये आपका दूसरा चैप्टर होगा, ये आपका तीसरा चैप्टर होगा, ये चौथा चैप्टर होगा, ये पांचवा, छठा, तो छह चैप्टर्स तो हमने यहाँ देखा, छह चैप्टर। सातवें चैप्टर में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सातवां चैप्टर जो होगा उष्मा हीट ट्रीटमेंट का एक चैप्टर है, जो सातवां चैप्टर है हीट ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ग्राइंडिंग व्हील और ग्राइंडिंग मशीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ग्राइंडिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग मशीन के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। पावर ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मशीन से रिलेटेड पावर ट्रांसमिशन को पढ़ेंगे हम लोग। फास्टनर के बारे में, जिसमें किसी जॉब को पकड़कर, कि जिसमें किसी जॉब को पकड़कर हम लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं, जिससे पकड़ते हैं उसमें हम लोग फास्टनर कहते हैं। तो इस फास्टनर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फास्टनर कितने प्रकार के होते हैं, फास्टनर में क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेंचेबिलिटी और सरफेस को पढ़ेंगे, ये आपका भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्क्रू और थ्रेड, स्क्रू और थ्रेड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो छह चैप्टर हमने पहले में देखा था, ये सातवां चैप्टर है, ये आपका आठ नौ दस ग्यारह और बारह चैप्टर। बारह चैप्टर के बाद आगे हम बढ़ते हैं, स्टील मेटल, ये आपका तेरह चैप्टर है। पाइप एंड फिटिंग, पाइप एंड फिटिंग जो है ये आपका फोर्टीन चैप्टर है, फिटर का ये सारे चैप्टर्स है, पाइप एंड फिटिंग है। उसके बाद लैपिंग एंड होंगिंग का चैप्टर होगा, ये पंद्रहवा चैप्टर है। छठा चैप्टर है डाई और टेप के बारे में, सोलह चैप्टर। ड्रिलिंग और बेरिंग के बारे में सत्रह चैप्टर। जिग और फिक्सर के बारे में पढ़ेंगे, ये आपका अठारह चैप्टर्स हो गए। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, रीमर के बारे में पढ़ना है, फाइल और हेक्सा के बारे में, ये सब फिटर का काफी मेन चैप्टर होता है। तो नॉर्मली आप देखेंगे यहाँ पे आपका 19, 20, 22 के बारे में, बेंच वाइस और उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, 21, 22, लुब्रिकेंट, कूलिंग लुब्रिकेंट आप पढ़ेंगे, कूलिंग लुब्रिकेंट के बारे में। तो कई तरह के लुब्रिकेंट का इस्तेमाल होता है, जैसे ग्रेफाइट पाउडर हो गया, ग्रीस हो गया, उन सब लुब्रिकेंट मशीन में सब लगाते हैं ग्रीसिंग उर्सिंग करने के लिए। तो 23 चैप्टर, 24 चैप्टर, तो ये चीजें आप देखेंगे। उसके बाद आपका और भी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है मशीन के मेंटेनेंस के बारे में, तरल यांत्रिक तथा द्रव्य चलित मशीनों के बारे में, हाइड्रोलिक उड्रोलिक मशीन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ये नॉर्मली जो है फिटर में अगर हम बात करें 26 से 27 चैप्टर जो है आपका, जस्ट वन मिनट, 26 से 27 चैप्टर मेरे प्यारे साथी आपको पढ़ना होगा, 26 से 27 चैप्टर, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब ये आपके पूरे पैटर्न है, जो लोको पायलट जो 2018 में या अभी जो लेटेस्ट पैटर्न आने वाला है वैकेंसी में आपका जो ट्रेड होता है, क्योंकि इन सब चीजों में ज्यादा चेंज नहीं होता है, बात समझ रहे हैं ना। ओके, तो ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 27 चैप्टर का मैं आपको, और इसका जो क्रम होगा, जैसे पहले मैंने 10 बजे रात को स्टार्ट किया था, 10 PM में रात में क्लास स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे बच्चों को कठिनाई हो रही थी रात में क्लास करने में, तो ये क्लास का टाइमिंग मैं आज शुरू से फिर से प्रारंभ कर दिया आपका 6 PM। अब ये क्लास प्रत्येक दिन 6 बजे चलेगा। क्लास का पैटर्न कैसे होगा, PDF का क्लास का डेली, कहाँ PDF मैं दूंगा आपको, एक एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ट्रेड के एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद PDF दूंगा। अब इस क्लास को कैसे पढ़ाएंगे पहले ये समझिए, ये सारे चैप्टर्स को हम कैसे पढ़ाएंगे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे आप। इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ाएंगे पूरे बेसिक से, जिसको कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है डजंट मैटर, अगर खूब तेज है कोई बात नहीं, पहले एक चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे,
इसमें प्रत्येक चैप्टर्स को पढ़ने में लगभग 15-15 घंटे लगते हैं, 15 घंटे, 10 से 15 घंटे आपको लगते हैं कुछ चैप्टर में। जैसे ये चैप्टर हो गया तो 5-6 घंटे में आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर काफी बड़ा है और इसमें काफी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले एक चैप्टर्स पढ़ेंगे, फिर इसके पी वाई क्यूज को देखेंगे, इसी चैप्टर्स का प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चन आए, तो और प्रीवियस ईयर संभावित क्वेश्चन, हर चैप्टर से लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 100 क्वेश्चन, तो लगभग 27 चैप्टर है आपका, और ये 27 चैप्टर में लगभग मैं आपको 3000 क्वेश्चन, किसी किसी चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन भी है, किसी किसी चैप्टर्स में थोड़ा 70-80 प्रश्न भी हैं, कुछ बड़े चैप्टर्स हैं, कुछ छोटे चैप्टर्स हैं, कुछ एवरेज चैप्टर्स हैं, लगभग 3000 MCQs वो आपका ट्रेड का आपको करा देंगे 3000। तो पहले हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर उसके चैप्टर वाइज MCQ, MCQ में आपका PYQ 2018 का और पहले का, और इसमें सिर्फ PYQ LP का ही नहीं रहेगा, और कई एग्जाम इसमें ट्रेड से टेक्निकल से सवाल पूछे, वो सारे प्रश्न को मिलाकर मैंने तैयार कर लिया क्वेश्चन चैप्टर वाइज, लगभग अभी सारे चैप्टर्स के हो रहे हैं। दूसरा चीज, इस बार आपको एग्जामपुर के एप्लीकेशन पर ऐप पर जो है जितने भी 15 से 16 ट्रेड है सारे के PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सोल्यूशन लगभग आपको मिल जाएगा, और हर ट्रेड से लगभग 5000 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस कर लेंगे आपका। जो 75 नंबर का ट्रेड का एग्जाम CBT 2 में स्टेज 2 में जो पार्ट ए होता है एंड पार्ट बी में आपका ट्रेड पूछा जाता है, 75 क्वेश्चन आते हैं। आप जैसे 2018 में अपने पास जो बच्चे थे, लगभग बच्चों ने यही हमने 3000 से 4000 क्वेश्चन ट्रेड में कराया था, यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मेरिट नहीं बनता है, आप आराम से 45 से 55 के बीच में कर लेंगे जितना मैं बताऊंगा। क्या आप लोग तैयार हैं इन सब चीजों को? DRDO एग्जाम का भी होगा, DRDO सारे क्वेश्चन डेट वाइज में मेंशन करा दूंगा, ये DRDO क्वेश्चन है, ये LP का क्वेश्चन है, LP का बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, जो भी है DRDO LP UPPC जो भी एग्जाम टेक्निकल एग्जाम में जितने भी ट्रेड के सवाल आए सारे क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से, ठीक है। तो ये सारा चीज आप ध्यान में रखिएगा, और ये क्लास आपकी 6 बजे। अब तो आप लोग खुश हैं, बहुत लोग नाराज हो गए थे रथ में 10 से 11 बजे रात तक पढ़ना होता है सर, सुबह एप्लीकेशन में क्लास, कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन में भी आज से क्लास स्टार्ट हो चुका होगा, आपने किया ही होगा लोको पायलट LP के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग तैयार हैं तो 5 टाइप कीजिए और स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, आज से फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार, और कॉपी पेन लेके आपको अभी नहीं बैठना है, बाद में आपको लिखना, सारा आपके पास चले जाएगा PDF, इसीलिए कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारा चीज आपको डेफिनेशन हर चीज आपको मिलेगा, जितने ने व्हाट्सअप किया है लगभग ग्रुप बन रहा है और सब चीज आपको मिल जाएगा वहां पे। तो एक बार सभी लोग 5 टाइप कर दीजिए फटाफट कि हाँ सर अब क्लास को जो है प्रारंभ किया जाए, और आपको कहीं ट्रेड के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे इससे आगे हम लोग चलते हैं, ये सारा चैप्टर्स हम लोगों ने देख लिया, ये सारे चैप्टर्स पढ़ना है। अब हम लोग ट्रेड का इंट्रोडक्शन, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है ट्रेड इंट्रोडक्शन, क्या है पहले है ट्रेड इंट्रोडक्शन, इसमें सबसे ही पहला सवाल है कि व्हाट इज फीटर, फीटर क्या होता है, क्या आप फीटर हैं, पहले आपको ही पता होना चाहिए कि फीटर क्या होता है, क्या ये प्रश्न आपको नहीं आना चाहिए कि फीटर क्या होता है, व्हाट इज फीटर, फीटर क्या होता है, जैसे कहते हैं इलेक्ट्रिशियन, तो इलेक्ट्रिशियन का मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे कहते हैं कारपेंटर, कारपेंटर कौन है भैया, लकड़ी उकड़ी का काम सही तरीके से कर लेता, फर्नीचर सब बना लेता, उसको हम लोग कारपेंटर कहते हैं, उसी तरह फीटर भी एक कारीगर होता है, फीटर जो होता है एक कारीगर होता है, वो मशीन क्या, वो लकड़ी से रिलेटेड नहीं होता है, वो मशीन से रिलेटेड होता है, मशीन को फिटिंग करने जानता है, फिटर जो है कुशल कारीगर होता है, जो कि क्या कहता है मशीनों का मेंटेनेंस और मशीनों की फिटिंग और सही तरीके से मशीनों को चलाने के लिए जानता है, कौन फिटर, और फिटर का काम है मेंटेनेंस, फिटर होता है मशीनों का मेंटेनेंस, कैसे कब रख रखाव करना चाहिए, कब कौन सा लुब्रिकेंट लगाना चाहिए, कौन से मशीन में कैसा लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब एक फिटर। तो जब आपके दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न आएगा कि फीटर क्या होता है, जैसे आप तब सोचिएगा कारपेंटर क्या होता है भैया, कारपेंटर क्या होता है,
इलेक्ट्रिशियन किसको कहते हैं, उसी तरह एक फिटर भी है भैया, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो फिटर भी उसी तरह का है, ये पूरे चीजों का मेंटेनेंस रखता है, मशीन को पूरा खोल कर लगा सकता है, पूरा सेटिंग वेटिंग इनको आता है, कुशल कारीगर होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फिटर। पहला चीज, एक छोटा सा प्रश्न है, फिटर से ही हमने स्टार्ट किया ट्रेड, पहले हमने पढ़ा दिया था इन सब चीजों को। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो पहले हमसे 10 बजे रात को क्लास करते थे, जरा 6 टाइप की। अब पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये सब बात हम लास्ट में करेंगे आपसे। 6 टाइप की जो रात में 10 PM में आप लोग क्लास, कौन कौन से ऐसे बच्चे थे जो रात में 10 बजे क्लास करते थे, 10 से 11 तक जगते थे, तो थोड़ा सा समस्या हो रहा था सर ठंड के दिनों में, तो उन लोगों ने लगभग चीजों को पढ़ा होगा। अरे भाई एक ही बार करोगे तो हम समझ जाएंगे तुम एक ही हो, मोहम्मद अरमान। चलिए, तो आपने आप में काफी सर, आप प्लीज कोर्स कंप्लीट कराए, बिल्कुल आपको पता है मैंने आपको ग्रुप डी में रात में जग जग के आपको 12 बजे रात से 3-3 बजे सुबह तक मैंने लगातार मेहनत किया था आपके लिए, बस आपका साथ चाहिए, आप रेगुलर रहिए। तो आपको पता ही है, तो कोई बात नहीं, मैं पूरी चीजों को पढ़ाएंगे, आप बस रेगुलर रहिए, चीजों को करते रहिए, मैं प्रत्येक दिन आपको एक ही चीज कराने वाला हूं। आगे चलते हैं, फिटर क्या, आप पढ़ के देखिए, आप कहीं भी कोर्स में भी परचेस किए होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी फिटर में ज्वाइन किए हैं, वो पहले भी कोर्स लिए हैं फिर भी फिटर उसको समझ नहीं आ रहा था, तो इस बार उन्होंने फिर से ये कोर्स ज्वाइन किया है। ऐसे कम से कम 100 बच्चे हैं ऐसे जो पहले से दूसरे कोर्स लेकर रखे थे, फिर वो उनको समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है, यूट्यूब से ही कंपेरिजन वो कर रहे हैं कोर्स अपने यूट्यूब से। तो अब दूसरा है टेक्निकल फील्ड में, तो फिटर क्या है ये आप समझ गए होंगे। तो ट्रेड इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं कि टेक्निकल फील्ड में अगर फिटर के बारे में जाने, इसमें कुछ प्राथमिक निपुणता हो, एक फिटर को जो है, एक फिटर में जो है प्राथमिक निपुणता होती है, प्राइमरी स्किल, मतलब कुछ कामें आना चाहिए, जैसे एक स्टूडेंट है उसको बहुत सारी चीजें आना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। तो बात को समझिएगा, हमने बोला है प्राथमिक निपुणता, प्राइमरी स्किल के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग प्राइमरी स्कूल स्किल के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी स्किल, तो प्राइमरी स्किल में क्या क्या आना चाहिए, तो समस्त हैंड टूल्स, एक फिटर को प्राइमरी स्किल में क्या क्या आना चाहिए, प्राइमरी स्किल में उसे क्या क्या आना चाहिए, एक फिटर को क्या क्या आना चाहिए, तो लिखा है कि समस्त हैंड टूल्स, जितने भी हाथ से चलाने वाले औजार होते हैं उसे हैंड टूल्स कहा जाता है, जैसे हथौड़ा, प्लास, तो ये समस्त हैंड टूल्स तथा कटिंग टूल्स का प्रयोग करना आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि चलाने नहीं आता पर हम फिटर कहलाते हैं, तो एक फिटर की जो प्राथमिक स्किल है, प्राथमिक निपुणता है, उसको क्या होना चाहिए कि प्राथमिक निपुणता में एक फिटर को ये आना चाहिए कि जो है समस्त हैंड टूल्स, जितने भी हैंड टूल्स होते हैं और कटिंग टूल्स का प्रयोग करना आना चाहिए। उसमें जो सबसे पहला चीज है, सबसे फर्स्ट जो है वो जरा अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहला चीज आता है, क्या होता है, मार्किंग। पहला चीज क्या है, मार्किंग। अब ये मार्किंग पर अगर हम पढ़ेंगे तो एक पूरा डिटेल में लगभग हम 5 से लगभग 10 घंटे, हमें 6 से 8 घंटे, हमें 6 से 8 आवर जो है मार्किंग के ऊपर पढ़ना होगा। सबसे पहला प्राइमरी स्किल, ऐसे ऐसे लगभग 26-27 स्किल है, उसमें सिर्फ हम लोग अभी मार्किंग पर पढ़ेंगे, जो हमें 6 से 8 क्लास सिर्फ मार्किंग के संबंध में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि मार्किंग क्या होता है, मार्किंग में किसका किसका और कहां मार्किंग होता है। अब पीडीएफ कहां मिलेगा वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, और पीडीएफ किनको मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो जरा सा यहां पर ध्यान से समझने की जरूरत है मार्किंग की भी, मार्किंग क्या होता है, पहला तो एक सवाल है कि व्हाट इज मार्किंग, मार्किंग का ही मतलब क्या हो। तो चलते हैं पहले मार्किंग को समझते हैं, मार्किंग को हम समझते हैं मार्किंग क्या है। किसी जॉब को बनाने से पहले जॉब को ड्रॉइंग के अनुसार चिन्हित किया जाता है, किसी जॉब को बनाने से पहले ड्रॉइंग के अनुसार चिन्हित करना मार्किंग कहलाता है, ड्रॉइंग के अनुसार जो है चिन्हित करना ही क्या कहलाता है, मार्किंग कहलाता है। जैसे समझिएगा, मान लो एक लोहे का सीट आपको दे दिया गया, कैसा, लोहे का एक सीट आपको दे दिया गया, ऐसा सीट आपको दे दिया,
एक लोहे का आपको टुकड़ा दे दिया गया था। बात समझ में आ रहा है? एक लोहे का आपको एक टुकड़ा दे दिया गया, ऐसा लोहे का टुकड़ा। अब बोला गया आपको कि चलो इससे टी फिटिंग निकालो। आप टी फिटिंग पढ़े होंगे, टी फिटिंग पढ़े हैं कि नहीं? मैं बता रहा हूं, एक ऐसे आपको लोहे का एक टुकड़ा दे दिया, इससे बोला गया एक टी फिटिंग बनाइए। टी फिटिंग समझ में आ रहा? देखिए आप, समझिएगा ध्यान से। समझिएगा ध्यान से जरा कि टी फिटिंग आपको निकालने के लिए बोल दिया, एक टी फिटिंग निकालो उससे। क्या निकालो? टी फिटिंग निकालो। तो आप कैसे निकालेंगे ये बताइए। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी टी फिटिंग निकालेंगे आप तो आपको पहले मार्किंग करना होगा। क्या करना होगा? मार्किंग करना होगा। मार्किंग करेंगे कि नहीं? ऐसा होता है, टी फिटिंग जॉब होता है। तो अगर किसी ने बढ़िया से कॉलेज वॉलेज गया होगा तो आपको पता होगा ये टी फिटिंग जॉब। क्या हमने बना रहा? हम टी फिटिंग जॉब बना रहे हैं। जस्ट वन मिनट देखिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। मान लीजिए एक टी फिटिंग जॉब आप बना रहे हैं, तो टी फिटिंग जॉब बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले आपको ऐसा बनाना है, ऐसा एक इमेज आपको डायग्राम दे दिया है गया बना के, जस्ट आप समझिएगा। ऐसा आपको एक दे दिया गया है कि टी फिटिंग जॉब आपको बनाना है। तो आप क्या करेंगे, पहले पहले इसके ऊपर आपको एक लोहे का सीट दिया हुआ रहेगा, एक लोहे का। मान लीजिए ऐसा टी फिटिंग जॉब बनाना है, टी फिटिंग जॉब आप समझ गए होंगे कैसा है, एग्जैक्टली नहीं बना है लेकिन आप समझ गए होंगे। ऐसा अगर बनाना है एक लोहे के टूल्स के ऊपर, एक लोहे का चादर के ऊपर, तो आप पहले मार्किंग करते हैं। पहले आप क्या करते हैं, मार्किंग करेंगे, एकदम पतला मार्किंग करेंगे। क्यों? पहले मार्किंग करेंगे तभी तो काटेंगे आप। पहले आप क्या करेंगे, मार्किंग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। पहले एक स्क्वायर बना लेंगे, बात समझ रहे हैं? फिर आप उसको पहले स्क्वायर काट के निकालेंगे। तो ये जो होता है, अब जरा डिफिनेशन को पढ़िए, अब जरा डिफिनेशन को पढ़िए। लिखा है किसी जॉब को बनाने से पहले जॉब को ड्रॉइंग के अनुसार चिन्हित करना। ये जो ड्रॉइंग है, जैसा ड्रॉइंग दिया गया उसके अनुसार जो चिन्हित करना ही मार्किंग कहलाता है। तो मार्किंग का डिफिनेशन आप बता सकते हैं क्या? अगर कोई पूछे मार्किंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मार्किंग, क्या होता है, तो मार्किंग आप बता सकते हैं, ड्रॉइंग के अनुसार जो ड्रॉइंग आपको दिया गया है कि ऐसा आपको बनाना है ट्रायंगल या ऐसा आपको बनाना है, तो इसके अनुसार अगर हम किसी जॉब के पर क्या करते हैं, चिन्ह लगाते हैं, चिन्हित करते हैं। किसी जॉब को बनाने से पहले जॉब को ड्रॉइंग के अनुसार चिन्हित करना ही, चिन्हित करते हैं ना काटने से पहले, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्किंग कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड मार्किंग। तो एक छोटा सा शब्द हमें समझ में आया, मार्किंग क्या होता है। मार्किंग समझ में आ गया। अब मार्किंग तो हम कर लिए, अब मार्किंग के बाद क्या होता है, एक होता है सर आपका मार्किंग। ये जैसे मार्किंग हमने कर लिया, चलो हमें इसे काटना है। हमने पहले क्या किया, मार्किंग किया जॉब के ऊपर, हमने क्या किया, यह मार्किंग कर लिया। ये करना क्या कहलाता है, मार्किंग कहलाता है। हमने मार्किंग कर लिया इस जॉब को, भी फिटिंग है, ये क्या है, भी फिट है, इसको भी फिट कहा जाता है। ये आपका भी फिट है, ये भी फिटिंग कहलाता है। ये आपका स्क्वायर फिट है, ये आपका क्या कहलाता है, स्क्वायर फिट। तो हम जॉब के ऊपर क्या कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, स्क्वायर फिट, भी फिट। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर फिट, भी फिट क्या होता है। तो जॉब के चिन्हित करना, जॉब के ऊपर चिन्हित करना, ये जो चिन्हित किए हैं इसी को मार्किंग कहा जाता है।
तो मार्किंग, गुड इवनिंग हो गया मेरे भाई अनुज कुमार। अब मार्किंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक मार्किंग मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक नया शब्द आता है मार्किंग मीडिया। ये मार्किंग मीडिया क्या होता है, मार्किंग मीडिया की बात कर रहे हैं। किसके विषय में बात कर रहे हैं हम लोग, मार्किंग मीडिया के संबंध में बात कर रहे हैं। मार्किंग मीडिया क्या होता है, जॉब के ऊपर, जॉब के ऊपर हम लगाते हैं। जैसे ये लोहे के सीट का मान लो एक जॉब है, लोहे के सीट का एक जॉब है, इसके ऊपर हम मार्किंग करके लगाते हैं मार्किंग मीडिया को। ये लोहे का सीट, इसके ऊपर हम घसते हैं मार्किंग मीडिया को, क्या लगाते हैं, मार्किंग मीडिया लगा। और मार्किंग मीडिया जो होता है, मार्किंग मीडिया क्या होता है, अगर किसी ने जॉब बनाया होगा तो देखते होंगे भिगा कर जो है खल्ली को हम लोग घसते हैं उसके ऊपर, घसते हैं कि नहीं, यस या नो। इसे ही मार्किंग मीडिया, ये जो खल्ली जैसा होता है, चौक होता है, उसको पानी में डुबा कर जो घसते हैं, इसे हम लोग मार्किंग मीडिया कहते हैं। तो ये समझ में आया यहाँ पे कि मार्किंग मीडिया किसे कहा जाता है, व्हाट इज मीन बाय मार्किंग मीडिया, मार्किंग मीडिया क्या होता है। अगर हम मार्किंग मीडिया के बारे में समझे तो ये व्हाइट वॉश जो है ये मार्किंग मीडिया है, ये आपका ब्लू पर्सियन जो है ये मार्किंग मीडिया है, ये कॉपर सल्फेट जो है मार्किंग मीडिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सेल्यूलोज लिकर का मार्किंग मीडिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी जो चीजें आप देख रहे हैं, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी बताएंगे, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा मार्किंग मीडिया, उसमें एक न एक ये ऑप्शन रहेगा। इसके नाम आपको पता होना चाहिए कि वॉशिंग है, व्हाइट वॉश मार्किंग मीडिया है, पर्सियन ब्लू है, इसकी क्या क्या विशेषता है, खूबी है, वो भी अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दीस आर कॉल्ड द मार्किंग मीडिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मार्किंग मीडिया क्या होता है। तो मार्किंग मीडिया क्या होता है, जॉब को चिन्हित किए हुए, जॉब को थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे, इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लिखा हुआ डेफिनेशन, मार्किंग रेखाओं को साफ साफ दर्शाने के लिए जॉब की सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है, जॉब की सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसी को हम लोग मार्किंग मीडिया कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्किंग मीडिया कहा जाता है। थोड़ा सा आप लोग सेशन को शेयर भी कर देंगे, हम थोड़ा पढ़ाने में मशगूल हैं, आप थोड़ा शेयर कर देंगे पूरे बेसिक से, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा, आज हमने पूरे बेसिक से स्टार्ट किया है, मार्किंग मीडिया क्या है, प्रॉपरली आपको एक एक चीजों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग मार्किंग मीडिया आपको समझ में आ गया होगा मार्किंग मीडिया क्या है। इसके बाद हम लोग मार्किंग मीडिया, टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया, मार्किंग मीडिया के प्रकार के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के मार्किंग मीडिया होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया की देखेंगे आप तो सबसे पहले एक आपका सफेदी आता है, मार्किंग मीडिया में आपका क्या आता है, सफेदी आता है। दूसरा आपका पर्शियन ब्लू आता है, तीसरा आपका नीले थोथे का घोल आता है, चौथा आपका सल्लोज आता है। दीज आर कॉल्ड मार्किंग मीडिया, ये आपका मार्किंग मीडिया कहलाता है, क्या कहलाता है, मार्किंग मीडिया कहलाता है। ये आपका भाई साहब क्या कहलाता है, मार्किंग मीडिया। सफेदी जो है इसको व्हाइट वॉश कहते हैं, ये आपका मार्किंग मीडिया। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया है, जब से मार्किंग मीडिया का नाम पता होगा, एक बात मैं बता दे रहा हूं, 75 क्वेश्चन आते हैं ट्रेड के, नहीं पढ़ के जाओगे तो 2 क्वेश्चन नहीं बनेगा ट्रेड का, ताकि तुम्हें कोई टर्म ही पता नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, तो ये बात को समझिएगा। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कितना पढ़ते हैं तो भी 25 में 25 लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 25 में 15-16 नंबर लेके आते हैं, ये तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। रिवाइज भी हम ही को कराना होगा, पढ़ाना भी हम ही को, इसीलिए अभी से ट्रेड की क्लास आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। ट्रेड क्या पूरा एमपी का जो टारगेट है वो क्लास शुरू हो चुका है आज से, और एकदम शानदार क्लास चल रहा है, और जितने हम लोगों ने अपेक्षा नहीं उससे ज्यादा बच्चा इस बार ट्रेड की तैयारी और कॉम्बो बैच में इस बार है। ग्रुप डी का भी बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, बहुत बच्चे ग्रुप डी का रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे सफेदी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाइट वॉश के बारे में, किसके बारे में, व्हाइट वॉश के बारे में पढ़ेंगे, सफेदी के बारे में। मार्किंग मीडिया जो है सबसे पहला जो है सफेदी। पूछा इसका प्रयोग रफ सतह पर किया जाता है, रुखरा सतह, मतलब रुखरा सतह जैसे एक लोहे का सीट है, मान इसमें रुखरा सतह है। तो यहां पे एक प्रश्न आपका बन गया सर, एक प्रश्न आपका बन गया,
कि रुखरे सतह पर, रफ सतह पर कौन से मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, रफ सतह पर, तब आपका आंसर होगा व्हाइट वाश, सफेदी आपका करेक्ट आंसर होगा। रफ सतह पर जो मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है व्हाइट वाश का, बात समझ रहे हैं? तो रफ सतह पर जो मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका व्हाइट वाश का है। तो एक क्वेश्चन, फिनिशिंग जॉब के लिए उचित मार्किंग मीडिया नहीं, मतलब एक क्वेश्चन यहां से आपका फिक्स हो गया व्हाइट वाश में कि रफ सतह पर कौन से मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो रफ सतह पर व्हाइट वाश का इस्तेमाल किया जाता है। कहां पे? रफ सतह पर हम लोग व्हाइट वाश का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे की चीजों को देखने और समझने की कोशिश करना। सफेदी बनाने की विधियां क्या क्या है? तो चौक और पानी को मिला दो, एक सफेदी बन जाता है। चौक और स्प्रिट को मिला दो तो आपका सफेदी बन जाता है। सफेद लेड और तारपीन तेल को मिला दो, तो ये सब तरीके हैं जिससे हम लोग सफेदी बना सकते हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सफेदी बनाने की विधियां, लेकिन इसमें जो दो चीज इम्पोर्टेंट है कि सफेदी जो है ये मार्किंग मीडिया है और इसका इस्तेमाल हम लोग रफ सतह पर मार्किंग करने के लिए सफेदी का इस्तेमाल करते हैं, रफ सतह पर मार्किंग करने के लिए। ये दोनों बातें आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है इसी तरीके रहेगा, इससे ज्यादा स्पीड नहीं करेंगे क्योंकि ये पहली बार बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो समझना जरूरी है। कोर्स कंप्लीट करने से कुछ नहीं, कोई टीचर अगर कोर्स कंप्लीट करा दे तब तो सबकी जॉब हो सकता है। 50-50, 60-60 हजार बच्चे ग्रुप डी में तैयारी कर रहे हैं, एप्लीकेशन के अंदर रिजल्ट कितना है सर? 2000-2500 बच्चे 50-60 के नंबर के पास है, 60-65-80 भी है लेकिन वो बहुत कम है। तो दो चीजें होती है, एप्लीकेशन में आप क्लास ले लेते फिर क्लास करते ही नहीं। अब बताओ ये रिजल्ट कहां से हो? अगर 50,000 बच्चे आते हैं उसमें 15-20-30 हजार जो होते हैं वो एक महीने के बाद ही क्लास छोड़ देते, 30,000 बच्चे तो ऐसे ही छोड़ देते। बात समझ रहे? 10-15 हजार बच्चे होते जो रेगुलर क्लास करते। अब डेली अभी एएलपी की क्लास स्टार्ट हो चुका, अब एएलपी की क्लास में क्या है कि 6 घंटे की क्लास अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया ऐप पर, 7 घंटे होने वाले। क्यों हम लोगों ने अभी 7 घंटे क्लास स्टार्ट किया पता है आपको? क्योंकि बाद में प्रेशर नहीं हुआ, ऐसे क्या करता है ऐप में 2 घंटा का क्लास ले जाएगा और एग्जाम के टाइम आपको क्या कर देगा, 6 घंटा स्टार्ट कर। अब तुम ना रिविजन कर पाओ और ना तुम पढ़ पाओ। तो हम शुरू से ही ऐसा सिस्टम किया है इस बार कि एलपी में 6 से 7 घंटे की क्लास अभी से दे रहे हैं और जाके आप लास्ट तक जो है एकदम तैयार हो जाइए 6 मंथ में और 2-3 बार रिवाइज कर पाइए, आप 4 बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आप मजबूत परिस्थिति में आ जाए। सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होगा, समझना और याद करके लेकर जाना एग्जाम के अंदर वो इम्पोर्टेंट है। हम जितना रुकेंगे, जितना बातें करेंगे, जितना समझाएंगे उतना ज्यादा आपके मेमोरी में ये चीजें जाएगा। आप ट्रेन में जाते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं कि नहीं? आपको किसी का चेहरा 2 दिन बाद याद रहता है क्या? हाँ रहता है, 1-2 लोगों का जिससे हम बहुत बात किए हुए रहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो वही चीज है पढ़ाई, जिससे हम ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा रिवाइज करते हैं वो आपके साथ एग्जाम तक जाता है। जिसको आप एकाध बार पढ़कर छोड़ देते हैं वो आपके साथ एग्जाम में नहीं जाएगा और वो खतरनाक भी हो जाता है, आपसे गलत भी करवा देता है। इस बात का बिल्कुल ख्याल आपको रखना होगा। ओके, आगे हम लोग चलते हैं, आगे की चीजों को हम लोग देखते हैं, आगे और भी पढ़ना है हम लोग को। अब दूसरा जो मार्किंग मीडिया है वो है ब्लू पर्शियन, जैसा देखिए जिसको हम लोग पर्शियन ब्लू कहा जाता है। और पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? या प्राय मशीन या फाइल की सतह पर किया। तो मशीन की सतह पर कौन से मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे आपका होगा पर्शियन ब्लू, आपका करेक्ट आंसर होगा। मशीन की सतह पर पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। इस पर खींचा गया रेखा साफ साफ दिखाई देता है परंतु इसे सूखने में अधिक समय लगता है, तक कार्य करने के समय मिट भी जाता है, तो उतना सक्सेसफुल नहीं है यह पर्शियन ब्लू जो मार्किंग मीडिया है, ये उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं। मतलब ठीक है, ये सूखने में भी ज्यादा समय लेता है। आप जिस पर मार्किंग करते हैं मार्किंग मीडिया से थोड़ा सुखाते हैं ताकि जो आपका मार्किंग किया हुआ लाइन है, चिन्हित किया हुआ लाइन है, वो साफ साफ दिख सके। बात समझ रहे हैं? तो ये आप समझ पा रहे हैं
दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो नीला थोथा, इसे बनाने के लिए थोथे पाउडर का पानी के घोल के साथ उपयोग किया जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग हम लोग फाइलिंग और मशीन की सतह पर किया जाता है नीले थोथे का, और यह घोल विष घोल कहलाता है। नीला थोथा क्या हो, कॉपर सल्फेट आपने नाम सुना, एक होता हरा कशिश, एक होता नीला थोथा। नीला थोथा का जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4 इंटू आपका 5H2, जल के 5 अणु पाए गए नीला थोथा, और इसका घोल कॉपर सल्फेट। फिजिक्स टॉपिक वाइज स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन पर, आज से जाके देख लीजिएगा एप्लीकेशन पर, आपका क्लास आज से फिजिक्स टॉपिक वाइज स्टार्ट होगी। और ALP में क्या क्या फिजिक्स पढ़ना है ये मैं एक दिन इवेंट करके बता दूंगा। ALP में अलग तरीके का फिजिक्स का बहुत चैप्टर है, जो नॉर्मल फिजिक्स आप ग्रुप डी में पढ़ते हैं उस तरह का नहीं है फिजिक्स ALP में या टेक्निशियन में, वो और प्लस कई चैप्टर्स हैं जो ऐड होते हैं ALP में फिजिक्स के। तो पढ़ने से पहले जितना आप ग्रुप डी में पढ़े थे उतना तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके अलावा भी लगभग 4-5 चैप्टर्स ऐड होते हैं ALP और टेक्निशियन के फिजिक्स में। इस बातों को बिल्कुल, और थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होता है ग्रुप डी से, लेवल जो है अच्छा लेवल का क्वेश्चन आते हैं। यूट्यूब पर वो होगा MCQ होगा, यूट्यूब पर आपके वो क्लासेस में, फिर सर हर चीज तो नहीं दे सकते ना सर। बात समझ रहे हैं, तो ये आपका रहा कॉपर सल्फेट, इसका भी इस्तेमाल हम लोग व्हाइट वॉश में किया जाता है जिसे बिस्कोल कहा जाता है। और सबसे अच्छा सेलुलोज वर्निश, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे उच्चतम मार्किंग मीडिया कौन है, तो सेलुलोज लिकर जो होता है सबसे उच्चतम, सबसे अच्छा क्वालिटी का जो मार्किंग मीडिया है वो सेलुलोज लिकर होता है। और याद रखिएगा यह बाजार में कई रंगों में उपलब्ध होता है, यह बहुत जल्दी सूख भी जाता है और मार्किंग की रेखाएं साफ दिखाई देता है। तो अब ये सारे मार्किंग मीडिया को आप पढ़ लिए, मार्किंग मीडिया क्या होता है ये समझ गए होंगे। तो अब आपका सवाल है सबसे अच्छा मार्किंग मीडिया, तो सेलुलोज वर्निश होता है, सेलुलोज लिकर जिसे कहा जाता है, ये सबसे अच्छा मार्किंग मीडिया है। पूछेगा बाजार में कई रंगों में उपलब्ध मार्किंग मीडिया कौन होगा, तो सेलुलोज लिकर होगा, ये सबसे अच्छा क्वालिटी का, सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला जो मार्किंग मीडिया होता है वो सेलुलोज लिकर होता है। तो ये सारे पॉइंट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखो भाई ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या? वेल्डर का क्लास तो अभी नहीं है यहाँ पे, हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे यहाँ एक रूल है कि जो टीचर जिसका स्पेशलिस्ट है वही पढ़ा सकता है, तभी एग्जामपुर में वो क्लास होते हैं। ऐसे नहीं कि एक टीचर है और हमारा कोचिंग है, हम इसमें फिटर भी पढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिशियन भी पढ़ा देंगे, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग भी पढ़ा देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। और लास्ट बातें हम ये बता दे रहे हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए कि ये बैच जो है, आपको ALP संबंधित कोई भी दिक्कत है इस पर आप व्हाट्सअप कर दें, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर ALP लिख के व्हाट्सअप करें, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, पहला बात। दूसरा जो ये बैच के बारे में हमने बता दिया, आज से पता कर लीजिएगा 6-6 घंटे की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है बैच में। अभिनंदन सर, मैथ्स, रीजनिंग, प्रीति मैम, अमृता मैम, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सारे क्लासेस, और विवेक सर खुद, तो 5-6 टीचर ने क्लास शुरू कर दिया है। सीबीटी 1 की तैयारी आप 1999 में कर सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ। तो RRB ALP की तैयारी, सीबीटी 2 की तैयारी जो है, या आपको इलेक्ट्रिशियन या फिटर ट्रेड की तैयारी करना है तो 1999 में, सीबीटी 1-2 2499 में, और कॉम्बो बैच ये 2999 का, इसमें आपको सारे चीज उपलब्ध मिलेंगे, जो भी ट्रेड है वो ट्रेड, सीबीटी 1, सीबीटी 2, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, और आपको उसके साथ साथ क्या न्यूमेरिकल बैच, जो न्यूमेरिकल आप पढ़ते हैं वो सारी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिशियन या फिटर कुछ भी लेना चाहते हैं आप 1999 में ले सकते हैं। दूसरा है टीचर्स, आप देख ले सारे सब्जेक्ट के बेहतरीन टीम जो 2018 में आपको पढ़ाया गया था, वो सारे आज से 6 घंटे की क्लास आपका शुरू हो चुका है, 6 आवर की क्लास आज हुआ है। तो इसमें आपको अभिनंदन सर मैथ स्टार्ट किया है, प्रीति मैम आपका रीजनिंग स्टार्ट कर दी है, और मैं आपको फिजिक्स स्टार्ट कर दिया हूं, अमृता मैम बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया है, विवेक सर जो है जनरल अवेयरनेस स्टार्ट कर दिया, ये सारी क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुका है आपका। आपको पता होगा एप्लीकेशन में जो बच्चे होंगे, ये सारी क्लास आज से प्रारंभ हो चुका है और हो भी गया है। ये क्लास आपके 10 बजे चल रहे हैं, 9 से 10 चल रहा है, आपको पता होगा 9 से 10 चल रहे हैं,
10 से 11 आपका चल रहा है यहाँ बायोलॉजी की क्लास, सॉरी 11 से 12 होगा सर, और 10 से 11 होगा रीजनिंग की क्लास। विवेक सर शाम में मैंने आपको लिया था 2 बजे से 3 बजे, तो ये सारी क्लासेस आपके स्टार्ट। आप ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे आप ट्रेड में देखते हैं कई जगह जो है एक ही टीचर सारी चीज पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपको दीपा मैम बीटेक एमटेक की हुई है, खुद आपको इलेक्ट्रिशियन से, तो ये आपको पढ़ा रही है। मैं आपको फिटर कराऊंगा, बस फिटर। ये केतन सर है, अपने टेकपुर वाले एक चैनल है, वहां पे आप पता कर लीजिएगा। ये केतन सर जो है बहुत बेहतरीन तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं। तो सीबीटी 2 के लिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे, ये केतन सर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे, बात समझ रहे। इसी कारण से एग्जामपुर का थोड़ा सा फीस जो है महंगा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने टीचर्स हैं आपके पास, 4, 3, 7, 3, 10 और एक टीचर है यहाँ पे पुलकित सर, 11 टीचर यहाँ पे और 3 टीचर यहाँ पे, तो 13, 14, 15 टीचर्स आपके यहाँ पे पढ़ाएंगे एलपी वाले बैच में। तो जितने लोग अभी विलंब करने से कोई फायदा नहीं है, जितने लोग ने ज्वाइन नहीं किया है आप बैच को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं प्रॉपरली, और आपको उससे भी ज्यादा कोई समस्या है तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर एलपी लिखकर मैसेज करें, आपको 1-2 दिन में रिप्लाई आएंगे, कॉलिंग आए कॉलिंग टीम के द्वारा। और अगर मुझसे भी बात करना चाहते हैं, कोई समस्या है, तो आप इस पर मैसेज लिख दे एलपी, सिर्फ आप टाइप करें, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, पूरा कहानी बात करेंगे, कहानी सुना दीजिएगा। एएलपी लिखकर इस पर मैसेज कर दे, व्हाट्सएप मैसेज, क्या लिखकर, एएलपी लिखकर। ये इस बार हम लोगों ने एएलपी और टेक्निशियन वाले बच्चों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर ये जारी कर रहे हैं, और आपको किसी टीचर से बात करना हो आप बताइए, उससे बात कराया जाएगा, आपको सब कुछ किया जाएगा, तो ये आपके लिए कराया जा रहा है सुविधा, एक विशेष सुविधा। ओके, पीडीएफ के लिए यही व्हाट्सएप के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, जितने भी अब इसमें क्या है, जितने भी पेड कोर्सेस वाले बच्चे हैं सबका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, उन सबको पीडीएफ और वो सारी चीजें आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ओके, तो मैं बता दे रहा हूँ, तो अभी तक लगभग 51 से 52 व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं, अभी धीरे धीरे और भी काम चल रहा है, तो डेली सर हजारों नंबर पे मैसेज आते हैं, तो उन सबसे बात करना, रिप्लाई करना, तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखना। ये क्लास 6 बजे, अब ट्रेड की क्लास जो 10 बजे चलती थी, बच्चे परेशान थे, अब आपकी प्रत्येक दिन 6 बजे क्लास ट्रेड का फिटर का चलेगा 6 PM से प्रत्येक दिन, पहले एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट थ्योरी की क्लास, फिर आपका उसका MCQ चलेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्लास पूरे मिलेंगी, पूरे तौर तरीके के साथ मैं आपको YouTube पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये फ्री वाले के लिए हम आपको पीडीएफ वीडियो सब कुछ उपलब्ध करा देंगे, ये शाम की यूट्यूब की क्लास की ये सारी सुविधा हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है, 6 बजे की क्लास किसी भी हालत में 6 PM में आप अब्सेंट ना करें, ये क्लास में बहुत ईमानदारी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, आप आइए डेली 6 बजे शाम को। आज इतना ही रहेगा मेरे प्यारे साथी, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, कल मिलेंगे 6 बजे शाम को, इसी ट्रेड को आगे हम लेके चलेंगे, जो चीजें हम जहां तक पढ़ाए उससे आगे हम बताएंगे। रेगुलर अब रहेगा ना, बिल्कुल अब रेगुलर रहेगा, क्योंकि वो 10 बजे रात को 11 बजे तक थोड़ा दिक्कत होता था, हमें भी दिक्कत होता था, अब आपके यहाँ 6 से 7 एकदम कंफर्टेबल टाइम है, आप भी मस्ती करते हुए पढ़ सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, फिर कब, कल शाम को, और हमारी एक क्लास 11 बजे दिन में जो जनरल साइंस की चल रही है, ये भी क्लास, आप 2 क्लास अभी एलपी के लिए मैं यूट्यूब पर फ्री लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। सर आप इम्पोर्टेंट चीज छोड़ देते, अबे अभी तो आज तो मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, ओके बाय बाय, टेक केयर।